ऑक्साइड है उसे लोहा है बहुत सारे सुगल एक सोच जिदा हमने अमित कोच कह के कहा कि चाहे वह कुक्का लहर के शकल में चाहे वह गदरी बाबिया की शकल में सात संगत को पहला बेनती की सत्य प्रवान कर दी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी बहुत सारिया गल् अपने पानिया के लोग बारे अपने सूबे के कुदरती स्रोत बारे जो साढ़े नाल पिछले दिनों में वापरिया जो अरसे तो साढ़े नाल विचरा हो रहा वापर रहा मैं देख रहा कि बहुत सारे सारे बड़े संजीदा बेगम बैठे हो लगभग हर गल में समझ तो मेरा अज आने का मकसद सिर्फ इन्ना कि जो भी कोई पंजाब की गल उठती है किसी भी प्लेटफॉर्म चाहे वह बद्री सिंह की हो चाहे वह बत्तेवाड़ा की गल हो वातावरण की चाहे वह जिला के जहरीले फैक्ट्री के पानी की हो चाहे हलपुट ने मोर्चा जरा पानी बचाने की गल करते हो साडा सब का फर्ज है कला मेरा फर्ज सीगा जिन्हें 317 तुम चुन के भेजते हो या तुम जे 13 मैंबर पार्लीमेंट भेजते हो या राज्यसभा भेजते हो सब का फर्ज है जो थोड़ी आवाज़ बन के इस देश में अपनी गल खोज पहुँचा सके तो दोस्तों अज ये जो पानी है पंजाब और पानी तो अलावा तो कुछ है ही नहीं ना साढ़े को साढ़े कोई होर कुदरती स्रोत नहीं पिछले दिन साडा सीजन सीगा छत्तीसगढ़ उत्थे इन्ने मिनरल्स ने उत्थे कोला है उत्थे ऑक्साइड है उत्थे लोहा है बहुत सारे चीज़ों के होर स्रोत ने पंजाब केवल एक स्रोत जिदा हमने कुछ कह के कहा कि फर्स्ट हाफ साडा पानी तो पहला भी उस रिया साहब पूछ के महाराजा रणजीत सिंह जी का एक बनाया हुआ बहुत बड़ा राजभाग बन गया हालांकि साडे पुरखिया ने चाहे वह कुक्का लहर के शकल में चाहे वह गदरी बाबिया की शकल में चाहे वह बब्बर अकालिया की शकल में जो हले सारा देश सुता पिया साडे पुरखिया ने अंग्रेजा के नाल मत्था लाया पंजाब चो सब तो पहला और जे उस वक्त साडे हकमरान बन जा रहे सीगे आगू सीगे उन्होंने साडे बुजुर्गों नाल पुरखियों नाल आगुआ नाल बाबा खड़क सिंह होना नाल सरदार बलदेव सिंह होना नाल बड़े ही लंबे वायदे किए कि तुम एक बार साडा साथ दिओ ते असीं तुहानू इहो जिहा इक किता देवांगे जिते तुसीं भी आजाद हवा की खुशबू लै सको चलो भराओ आजाद हवा तो छड्ड दिओ आप गुलाम हवा के भी सानू साह नहीं लैन दिता जा रहा आ पिछले दिनों में जो दहशत जो बुरशागर्दी का नंगा नाच किया गया पंजाब ये सानू सारिआं नू कोई लेबल में गिरदान दिंदे कि सिख अतवादी ने पंजाबी अतवादी ने सानू मुड़ मुड़ साडे आगुआं नू सर्टिफिकेट देना पैंदा असैंबली च खड़ के लोग सभा च खड़ के कि नहीं जी असीं तां देश प्रस्त आ और उदो देना पैंदा जो साढ़े सब तो ज्यादा अगर फांसियां दे रस्सियां नू चुम्मिया तो साढ़े बजुर्गों ने साढ़े नौजवानों ने पंजाब काले पानिया की कंधा दे जाके अंडमान निकोबार काले पानिया के जेलों में जाके देख लो कंधा दे तुहाडे बजुर्गों का तुहाडे पुरखियों का नाम लिखा होया पर फिर भी सानू उसका सर्टिफिकेट देना पैंदा आ अमृतपाल की गल चलो मर लिया एक आदमी एक पहला प्रचार कर रहा सीगा मन लिया उसने गल एक आजादी की कर दिती या उस तो बाद दूसरा जरा मेरी निगाह में उस तो जो कानूनी अवज्ञा मैं कह रहा वा दूसरी अवज्ञा उन्हें वो करती अपना बंदा छुड़ाउणगे उत्थे बंदे गर्म जोश में आण के उन्होंने पुलिस कुट कढ़ी तुसीं उहदे ते उन्ना कानून लाओ ना तुहाडे कोल तुहाडा संविधान अपना इन्ना कमजोर है कि असीं किसी सिचुएशन नाल डील नहीं कर सकते भगवंत मान की फोटो तुसीं देखते हो रोज टैलीविजन ते आउंदा उहदे पिछे दो फोटोआं टंगी होईआं ने एक बाबा साहब अंबेडकर की फोटो आ एक पासे शहीद भगत सिंह की फोटो आ किथे लिखिआ बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया उत्थे किसी उन्होंने नैशनल सिक्योरिटी एक्ट वाड़िया उदो कोई यूरोपा का कानून वाड़िया उन्होंने कोई टाडा का कानून वाड़िया उन्होंने नहीं वाड़े ये फोटो उन्होंने दी लाउंदे ने ते कानून काले पंजाब दे उत्ते थोपदे ने मेरे वीरों इन्ने से मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह ने चार बार हंडाई है एक बार उन्होंने लै गए अगरतला की त्रिपुरा की जेल में वेस्ट बंगाल के लागे एक बार उन्होंने लै गए हजारीबाग के लागे
एक बार उन्होंने तिहाड़ जेल में मैं पता वा कि उसे कितना उस लड़ना वा कि मिलन जाना है। तो बेचारे गरीब आदमी ने जेडे साडे बच्चे नौजवान आसाम भेज दिते ने इन्हों का तो वकील नहीं उत्थे जा सकेगा, इन्हों के परिवार वाले उत्थे नहीं जा सकते, यह जेडे ने इन्हों की उत्थे इन्हों रोटी नहीं पछनी, उतों की आबो हवा फर्क आ, उतों का पानी अलग आ। एडा यार जुल्म किया भगवंत सिंह मान तू साडे नाल एडा जुल्म, ते तुसी कहिंदे सी इह बदलाव लैके आउणा पंजाब दे विच, ठीक है तुसी जे अमृतपाल ने गल की मैं कहना आजाद देश की गल करता से सैक्शन 153 ए हैगा सिसेशन का, अगर कोई वक्खवादी गल करता वो संविधान के धारा वा तुसी उन्हों अरैसट करो, जो उन्हें अजनाले में कोई गलत गल की 307 लाओ, तुम 452 लाओ, थोड़े को 100 तरह धारावान ने लाओ, उन्हें तीन महीने जेल च रखो, 6 महीने जेल च रखो, लेकिन नैशनल सिक्योरिटी एक्ट ये 12 महीने कोई अपील कोई दलील कोई जमानत कख नहीं का मेरे वीरो। ये कहते हैं असि इंसाफ पसंद से असं बदलाव की राजनीति करनी है, सारा कोटा टेक गया है भगवंत मान दिल्ली के सामने। आ देखो पंजाब दे विच कितना कुछ होया, जेलां च बैठे गैंगस्टर इंटरव्यू दे रहे ने, गैंगस्टर जिन्हों देश की सरकार कहती कि एक क्राइम सिंडिकेट का सरगना है, सब तो वड्डा है बदमाश है इस देश का, वो जेल चो इंटरव्यू दे रहा, वो पंजाब की जेल में बैठा वा, उसे तो कोई पर्चा नहीं, तो कोई कार्रवाई नहीं। जिहड़े साडे नौजवान कोई कर चलो मन लिया जज्बाती होकर उन्होंने कोई गल भी कर दी है, उन्होंने दूजे सूबे जेलों में भेज दी। अज पंजाब दिल्लियों चलाया जा रहा महकमा, भगवंत मान नहीं चला रहे, सिर्फ उन्होंने एक हथ खोका एक मोहरा बन के रह चुका वा। तुम दसो मैनू इन्ना कुछ पंजाब होया, 5 दिन इंटरनेट बंद होया, सैकड़े बंदों घर चुक के लै गए, औरतों बच्चों के उत्ते परचे दर्ज किए, कभी तुम पंजाब का होम मिनिस्टर जिहड़ा भगवंत मान है गृहमंत्री भी है, ये 5 दिन बाद बोलता आन के जिहड़ा इन्हों सामने लिखा दिता उहदा हिंदी दे विच टेलीप्रॉम्प्टर कहिंदे ने उतों हिंदी विच तो पढ़ाया गया, इन्हों कहा कि यही बोलना जो असीं दिल्लियों तैनू स्क्रिप्ट भेजी है। साडा डीजीपी पंजाब का गौरव यादव इन्ना कुछ हो गया, वह कभी लगता नहीं कितने कितने डीजीपी पंजाब का। सो यह साबित करता वा कि अज पंजाब नू इन्हां मूर्ख बंदियां ने उन्होंने गिरवी रख दिता, शायद इस तरह गिरवी कभी पुराने जिहड़े रवायती पार्टियां उन्होंने भी कभी इदां पंजाब नू अपने नू गिरवी नहीं रखा सी। सो इस करके एक तो यह दास्तान है साडी। हुण पाणी ते आ जांदे आपां, आपां जिदां क्या सारे ने दस्सिया कि किन्ना पाणी साडा खुस गया राजस्थान दिल्ली हरियाणे नू, जिन्हों का कोई इंटरनेशनल रेपेरियन लॉ के आधार न कोई अधिकार नहीं सी साडे पाणियां दे उत्ते, कितने दरिया वा सूबे नू टच नहीं करता, कितने वो कितने तुपका भी नहीं जाता, सारा पानी चक के अपना उधरले पासे दे दिता उन्होंने, और सानू कित्थे कीता सानू ट्यूबवैलां दे पाता, आ ट्यूबवैल जिहड़े आपां 14 लाख ट्यूबवैल नाल पानी कढ रहे आ, उपर नासा दीआं अमेरिका दीआं सैटेलाइट्स दस रहीआं ने तुहाडे ते लाल धब्बा पाया पंजाब दे उत्ते, उन्होंने कि तुहाडा जमीनी पानी जिहड़ा बहुत ही देर पंजाब दे विच नहीं चलेगा, कित्थे जावांगे आपां फिर उस तों बाद। पंजाब खेती प्रधान सूबा वा, पंजाब दे कोल होर कोई गल है ही नहीं गी, इतने इंडस्ट्री भी कभी कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है माड़ी मोटी चली जाती लुधियाने बटाले माड़ी मोटी गोबिंदगढ़ दसो, बाकी पंजाब इंडस्ट्री कितने है, सिर्फ तो सिर्फ पंजाब अगर चिंतन प्रफुल्लित होगा इनू पंजाब का किसान ते खेत मजदूर ही प्रफुल्लित करेगा, उहदे नाल कनैक्टिड इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्री जिहड़ी उही प्रफुल्लित करेगी। तो मैं विधानसभा च खड़ा होया मैनू बड़ा दुख ते अफसोस होया, भगवंत मान ने खड़े हो गए अखे जी असी पाकिस्तान दे नाल बॉर्डर जिहड़ा वा उह कदी नहीं खुलना चाहिए, ये पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा तुहाडा नुमाइंदा जिहड़ा तुसीं बनाया इत्थों, और सारे पंजाब दे 3 करोड़ पंजाबियां दी आवाज़ आ कि जिहड़ा रूट है पंजाब दा ये पाकिस्तान नाल बॉर्डर खुलना चाहिए, बीजेपी की बोली बोल रहा वा, और मैं उत्थे खड़ के विधानसभा दे विच कहा कि पहला भगवंत सिंह मान इहदी तर्ज समझना है कि है बॉर्डर, ये बॉर्डर कला फट्टा नहीं गा कोई नाका नहीं गा कि असीं पाकिस्तान नूं कुछ समान वेचना, नहीं ये साडा पुराना सिल्क रूट है मेरे वीरों भैणों ते बजुर्गों, इस रूट चो पाकिस्तान दे जरिए लैंड रूट ये बहुत वड्डा एक लैंड मास है, एक कॉन्टीनेंट है, जिदा आपां कहिंदे कि अफ्रीका कॉन्टीनेंट है यूरोप कॉन्टीनेंट है, इहदे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान मंगोलिया तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान रूस तक इत्थे कुछ नहीं हुंदा, सारा समान पंजाब चो भारत विचों पुराने समय सिल्क रूट दे राही जाया करता सीगा, जिहड़ियां फसलां नूं असीं तरसते आ स्वामीनाथन कमेटी दी रिपोर्ट मंगदे आ, अज अगर ये बॉर्डर खुला व्यापार खुला होवे इधरले पासे नूं
सेंट्रल एशिया नूं साड़ी कणक की कीमत 4000 रुपया क्विंटल, साढ़े झोने की कीमत 4500 रुपया क्विंटल, साड़ी खंड की कीमत दुगनी, साड़ी इंडस्ट्री की कीमत दुगनी। साडा मुख्यमंत्री कह रहा है कि पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान बंद होना चाहिए, आज दी गल है, और ये बॉर्डर खुलना चाहिए वा, और जेड़ा पंजाब का जिनी भी साडे जान आ, ठीक है तुहाडे कश्मीर दे करके तुहाडे सरकारां दे तौलकां ठीक नहीं हो गल लग गया, लेकिन तुसीं एक पुराना रूट जेड़ा बजुर्गों चो कुछ याद होंगे, मैं 1980 के दहाके च पढ़ता ईरान तो आलू लैन आए थे ट्रक एयर कंडीशन उन्हां दे, उदों अपना आलू पंजाब का ईरान में जाके बिकया सीगा, बहुत सारा बंद करता। सो एक तो हल यही अपने कोल इंडस्ट्री, तुसीं देखो जिहड़े व्यापारी कुछ लोग इहदा विरोध करदे होणगे जान बुझ के, आपां हिंदुस्तान के एक कोने दे आ, साडे कोल कोई बंदरगाह नहीं, की तुसीं गुजरात ते महाराष्ट्र दे नाल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ, ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੀ ਕੰਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। दूसरा इतों गल की गई खो बहुत अच्छी, पंजाब की जो आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है साढ़े बच्चे साढ़े परिवार विदेशों में मजबूरी में जा रहे, तुम्हें पता किन्ने जा चुके हैं, हूं तक 3 करोड़ आबादी चो घट्टो घट 50 लाख बंदा पंजाब का विदेशों में जा चुका वा, जो साडा नौजवान को पढ़िया लिखा जाता 20-22 साल 24 साल का उसके ते लखां रुपए पंजाब की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, और जो एक बच्चा जाता चाहे वह PR से गया चाहे वर्क परमिट से गया चाहे कितने गया, एक बच्चा नाल घट्टो घट 20-25 लाख रुपया लेके जाता, कल्ले कैनेडा नूं इस वक्त 2 लाख तो ज्यादा नौजवान कल्ले कैनेडा की धरती से जा रहा, तुसीं इहनूं जरब दे लो 2 लाख 25 लाख रुपये नाल, तुहानूं पता लग जू कि पंजाब अज साडियां जमीनां दे भाव सिफर ने, अब साढ़े पिंडां दी इकोनमी आर्थिकता तौर पर खत्म हो चुकी है, कोई मुल नहीं गा, इस करके क्योंकि साड़ी सारी इकोनमी हजारा सैकड़े करोड़ रुपए जिहड़े ने विदेशां दे विच जा रहे, ते मैं मता रखिया इस विधानसभा दे विच कुलतार सिंह संधवा तुहाडे इत्थे लागी दा हैगा स्पीकर, मैं और प्रताप बाजवा मैं उन्होंने नाल लैके गया कि पार्टी भी नाल होनी चाहिए है, असीं उत्थे एक प्राइवेट मैंबर बिल दित्ता, एक जनवरी 22-23 जनवरी नूं सैशन तो 1.5 महीना पहला, और उन्हें समझा के आए कि यह बिल इंट्रोड्यूस कराओ पंजाब की विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश की तर्ज से राजस्थान की तर्ज से कोई भी आदमी आन के सीधा पंजाब का मालिक तो वोटर ना बन सके, आवे पैसे कमावे कमाई करे सानू कोई एतराज नहीं, लेकिन ओदे वास्ते कुछ शर्तां पूरियां करनियां पैण, तुसीं जाके हिमाचल विच मैनूं लैके दिखाओगे जगह, ओदा हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1972, उन्होंने उस 1972 पछाण लिया कि अगर असी ना रोकिया ते सारे छोटे छोटे बाग जिहड़े 2-2, 4-4 बिघे दे बाग है ओह तां दिल्ली ते बॉम्बे वाले अमीरां वी लै जाणगे, अंबानी अडानी टाटे बिरले महिंद्रे लै जाणगे, उन्होंने कानून बना के अपने भाग बचाए, अपनी अपनी आइडेंटिटी अपनी होंद बचाई मेरे वीरो, ते मैं एक बिल दिता राजस्थान में भी सेम है, तुसीं जाके कुछ मुल नहीं लै सकते, लेकिन इन्होंने इहदी अहमियत भी नहीं समझी, उल्टा 92 दे बामणे 92 मूर्ख बंदे बंधुआ मजदूरों वांगू उत्थे खड़ के ते चंगी गल का विरोध करते, हर गल का शोर मचाते ने, दूजियां नूं शोर नाल बिठाउंदे ने, ते साडा इह बिल पास नहीं कीता मेरे वीरो। अज मैं तुहाडी अदालत विच जिथे पानी बचाउण आया वा, मैं तुहाडे को एक मता जनतक पास करवाउण आया वा, समझते हो कि पंजाब दे विच हिमाचल प्रदेश की तर्ज से राजस्थान की तर्ज से कानून बनना चाहिए वा कि कोई भी आदमी साडा आन के बछिंदा ते मालिक ना बन सके, क्योंकि अगर वो पढ़ते रहे अज तो 10-12-15 साल के बाद पंजाब विच पंजाबी और खास तौर पर सिख घट गिणती चाहोंगे, इस करके जकारा छड़ के हथ खड़े करके प्रवानगी दो कि हाँ असं ये कानून चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को अगले सैशन में कानून लेके आना चाहिए, चाहे वह बब्बर अकालिया की शक्ल में जो दहशत जो पुरशागर्दी का नंगा नाच किया गया, संविधान अपना इन्ना कमजोर है कि असं किसी सिचुएशन का डील उ नहीं जा सकते, ये जड़े ने रोटी नहीं पच, ठीक है तुसी जे अमृतपाल ने गल की, मैं कहना 53A हैगा सेसेशन दा, सब तो वड्डा है बदमाश है इस देश दे विच भेज दे, अज पंजाब दिल्लीओ चला दे विच हिमाचल प्रदेश की तर्ज से राजस्थान की तर्ज से कानून बनना चाहिए वा
कि कोई भी आदमी साडा आके बछिंदा मालिक ना बन सके, क्योंकि अगर